नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.3, अ क्रो इन द हाउस का क्वेश्चन और आंसर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोग मार्जिन के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये देखो, ये लेसन के बगल में, ये देखो, ये साइड साइड में जो क्वेश्चन दिए गए ना, इनके आंसर हम सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, आपको इंग्लिश वर्कशॉप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, देखा आपने, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर बाद में इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डेंजर्स वर लाइकली टू बीफॉल द यंग क्रो, यानी वो जो यंग क्रो था, ठीक है, उसको और कौन, मतलब किन किन चीज़ों से उसको खतरा था। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने, द यंग क्रो वॉज इन डेंजर ऑफ बींग क्रश्ड बाई अ कार्ट और अ टोंगा और सीज्ड बाई अ कैट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हु आर द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि और कौन कौन से मेंबर्स थे जो उसी घर में रहते थे ऑथर्स की फैमिली के। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने, द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस वर हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडमदर एंड आंट मैबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लाइक एनिमल्स, यानी जो ग्रैंडफादर थे ऑथर के, क्या वो एनिमल्स को पसंद करते थे। हाउ डू वी नो दैट, ये हमको कैसे पता चला। एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप लोग 2 एग्जाम्पल्स तो दो ही। तो देखो हमने लिखा है, यस द ऑथर्स ग्रैंड फादर लाइक एनिमल्स, दिस इज अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हेल्प द ऑथर टू रिस्टोर द क्रो टू लाइफ। ग्रैंड फादर ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ पेट्स इन द हाउस, दिस शोज दैट ही लाइक द एनिमल्स। ओके, 4th क्वेश्चन है कि वॉट इज इम्प्लाइड इन ही टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। इसका मीनिंग क्या होगा, ही टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस मीन्स दैट ही डिड वॉट एवर ही वॉन्टेड टू एंड मेड न्यू रूल्स इन द हाउस, द अदर्स एक्सेप्टेड हिज बिहेवियर। ओके, अगला क्वेश्चन है, गेस हाउ केसर लर्न टू से हेलो हेलो, कैसे उसने सीखा हेलो हेलो बोलना, किसने, केसर ने। तो इसका आंसर देखिएगा, केसर हैड बीन टॉट बाय द ऑथर टू से हेलो हेलो, ऑथर ने उसको सिखाया था ना हेलो हेलो बोलना। 6th क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय आंट मैबल नेवर वाज अ सक्सेस विद द पेट्स, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट वाज सो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आंट मैबल नेवर वाज अ सक्सेस विद द पेट्स, और इसका रीजन, मतलब क्या आप बता सकते हो, ठीक है, कि ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर देखिएगा बच्चों, आंट मैबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद पेट्स मीन्स दैट पेट्स डिड नॉट लाइक आंट मैबल, दिस वॉज प्रोबेबली बिकॉज शी टू डिड नॉट लाइक देम एंड ऑब्जेक्टेड टू देयर प्रेजेंस इन द हाउस, एनिमल्स कैन सेंस इट वेन समवन डिसलाइक्स देम। ओके, मतलब जो जानवर होते हैं उनको पता चल जाता है, जब कोई उनको ना पसंद करता है ना, तो वो लोग भी समझ जाते हैं, फिर वो आंट मैबल के साथ वैसा ही बिहेव करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट केसर हैड स्टोलन टूथब्रशेस फ्रॉम द हाउसेज ऑफ मोस्ट ऑफ द नेबर्स एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड इन द ऑथर्स रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट एक्शंस ऑफ द ऑथर शो दैट ही लव्ड केसर, मतलब ऑथर के आप एक्शंस बताओ जिससे हमको समझ में आता है कि केसर को वो बहुत मानते थे, बहुत उसको प्रेम करते थे। तो इसका आंसर देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑथर हैड टॉट हिम टू सिट ऑन हिज आर्म एंड से किस किस व्हाइल ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट द ऑथर्स माउथ, व्हेन केसर ब्रोक हिज लेग द ऑथर कैरीड हिम होम एंड लुक्ड आफ्टर him with love and care. When he did, the author buried him in grave along with all the toothbrushes and clothes pegs he had taken so much trouble to collect. All these actions show that the author loved Kesar. Okay? क्वेश्चन नंबर ओके, यहाँ पे आपके जो मार्जिन के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ए देखिएगा, फाइंड एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम्स आपको बताने हैं, इट मीन्स
आपको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। तो मोशन लेस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेस्टलेस, कैप्टिविटी का फ्रीडम, फ्रिक्वेंट का ओकेशनल, डल का ग्लीमिंग, जेंटल का फियर्स, कोऑपरेटेड का ऑब्जेक्टिव, डीप का सैलो, हम्बल का स्नॉबिश। ओके, तो यहाँ पे हमने एंटोनिम्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। बी है यहाँ पे, ए तो हमने देख लिया, अब बी देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सिनोनिम्स। अभी आपको सिनोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं मतलब उसके सिमिलर वर्ड। जैसे क्या है, डिसअप्रूव, तो इसको इसका सिनोनिम्स ऑब्जेक्टेड हो जाएगा। बीट्स पीसेस, इसका हो जाएगा श्रेड्स। अचीवमेंट्स का सक्सेस, अट्रैक्टेड का फैसिनेटेड, नॉनसेंस का बेस्ड, मिशअप का डिजास्टर, कंट्रोल का रिस्ट्रिक्टेड, और रिब्यूक का क्या हो जाएगा बच्चों, स्कोल्ड। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट हाउ द अदर पेट्स इन द हाउस कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू केसर लिविंग इन देयर हाउस। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यस ये आपका आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ। अगला देखते हैं, प्रिपेयर अ टेबल टू शो केसर स्प्रैंग्स एट होम एंड आउटसाइड। यानी जो केसर था वो कैसे शरारते किया करता था घर में और बाहर, ठीक है, वो आपको टेबल बना करके लिखना है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, केसर्स प्रैंक्स एट होम, यानी घर पे वो कौन से शरारते करता था, और केसर्स प्रैंक आउटसाइड, वो बाहर कैसे शरारते करता था। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है होम में, पहला ही डांस अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पर डांस किया करता था। ही फिजेड अबाउट एंड इन्वेस्टिगेटेड थिंग्स। फिर तीसरा, ही वुड एम्प्टी द मैच बॉक्स, ही वुड ट्रिप द डेली पेपर टू श्रेड्स, ही वुड ओवर टर्न अ वास ऑफ फ्लावर्स, ही वुड टग एट द टेल ऑफ अ डॉग, फिर ही वुड स्क्वेबल विथ द हॉर्नबिल एंड पिग्स एट हिज फीट, ही नॉक्ड ऑफ आंट मैबल्स स्पेक्टेटर्स। ठीक है, और घर के बाहर वो कौन कौन से शरारतें करता था, तो ही वुड विजिट नेबर्स हाउसेस फ्रिक्वेंटली, ही वुड स्टील पेंस एंड पेंसिल्स, हेयर रिबन्स, कॉम्ब्स, कीज, शटल कॉक्स, टूथ ब्रशेज एंड फॉल्स टीथ, ही वुड स्नैच स्वीट्स फ्रॉम चिल्ड्रन, ही वुड टेक ऑफ क्लॉथ पिक्स फ्रॉम द क्लॉथ लाइन, है ना, क्लॉथ लाइन से वो क्लॉथ पिक भी लेकर के आ जाया करता था कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिलेट द लाइफ स्टोरी ऑफ द केसर रीअरेंजिंग द फैक्ट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए, तो इन्हें आपको अरेंज करना है। ठीक है, केसर का पूरा वो लाइफ स्टोरी, जो उसका लाइफ था, ठीक है, उसकी स्टोरी बताने के लिए ये सब इधर उधर करके लिखे हुए हैं ना, तो उनको एक चार्ट बना करके लिखना है फ्लो चार्ट में। तो देखिए हमने लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, यंग क्रो इज सेव्ड बाय द नैरेटर, द क्रो इज नेम केसर, केसर बिगिंस टू अपसेट थिंग्स एट होम, फिर केसर ऑब्जेक्ट्स टू बिंग केस, केसर बिगिंस टू ट्रबल नेबर्स, देन नेबर फ्लिंग्स अ स्टिक एट केसर, केसर पासेस अवे। ओके, तो ये है लाइफ स्टोरी ऑफ द केसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा, रिवराइट इन योर ओन वर्ड्स। क्या लिखना है, वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी, यानी ये स्टोरी में से कोई एक इवेंट आपको लिखना है। और बी में क्या दिया है कि वन ऑफ द केसर ट्रेट्स दैट मेक्स यू लाफ, यानी आपको कोई तो एक केसर का ट्रेट बताना है जो आपको मतलब जिससे आपको हंसी आ जाए। ठीक है, उसकी कुछ करामात आपको बता देनी है जिससे आपको क्या आए बच्चों, हंसी। जैसे किसी की कोई बात होती है ना, जो सुनने के बाद हमको क्या होता है, हंसी आने लगती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले में तो आपको समझ में आया ना, कोई एक इवेंट बताना है, मतलब इवेंट लिखना है फ्रॉम द स्टोरी, और दूसरे में आपको केसर की कोई एक विशेषता बता देनी है जिससे आपको थोड़ी हंसी आ जाए। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे ए, वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए, वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी, एक इवेंट हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर बी में वन ऑफ द केसर स्ट्रेट्स दैट मेक्स यू लाफ, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, होल्ड अ डिबेट ऑन पेस्ट पेट्स और पेस्ट। अच्छा, आपको डिबेट मतलब ऐसा रखना है,
पेट्स और पेस्ट के ऊपर। ओके तो देखिए हमने इसके बारे में भी लिखा है, तो आप लोग डिबेट कर सकते हो अपने क्लास में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। यस देखो ये इसका आंसर है, और वैसे तो आपको पूरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो बच्चों आप इसको देखिएगा पहले तो, और फिर उसके बाद नीचे चलेंगे। देखिए इसी में ये कंटिन्यू है, ये ठीक है ना, ये इसका पूरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डू यू हैव पेट एनिमल्स, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर ओन और योर फ्रेंड्स पेट। देखिए बच्चों क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है, अगर है तो उसके बारे में लिखिए कोई एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, और अगर नहीं है ना तो आपके कोई फ्रेंड के पास तो पेट होगा ही, तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे पास तो कोई पेट एनिमल नहीं है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ना शिल्पा, उसके पास एक बहुत ही अच्छी सी बहुत ही प्यारी सी कैट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूनो कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूनो वेंट अप ट्री। देखो यहाँ पे जूनो इज़ जस्ट 3 months ओल्ड एंड वेरी वेरी प्लेफुल, मतलब बहुत शरारती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसके बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, मेरे से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हो या फिर खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना देखिए, उसके बाद हम नीचे चलेंगे। इसी में कंटिन्यू है, ठीक है ना, वो एक पेज पर नहीं आ पाया इसलिए हमको दूसरे पेज पर लिखना पड़ा। ये देखा, अब इसके आगे का ये देखिए, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ना बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज स्टडी में बस आपको ये पढ़ना रहता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके तो यहाँ पे हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।